हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो 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 सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में। तो अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे प्रभुपाद अमेरिका में हैं और प्रभुपाद कल के प्रवचन में हमने सुना कि प्रभुपाद कैसे जो है शैली अग्रवाल और गोपाल अग्रवाल के घर पे ठहरे हुए थे। तो पहला तो उन्होंने ये मुश्किल उधर उन्होंने सामना किया कि वो दोनों चाहते नहीं थे प्रभुपाद को वहां बुलाने के लिए, उन्होंने सिर्फ फॉर्मेलिटी की तरफ से उनको बुलाया था। और प्रभुपाद जब पहुंच गए थे तो उनको इतना अलग लग रहा था कि उन्होंने उनका रहने का प्रबंध अपने घर में नहीं करके जो है बाहर हॉस्टल में YMCA में करा दिया था। तो प्रभुपाद जी का अब अमेरिका का संघर्ष हम पूरा देखेंगे और कितने जगह पे प्रभुपाद जी को जो है कामयाबी प्राप्त नहीं हुई, कितने जगह वो असफल हुए। तो वहां पे उन्होंने काफी प्रचार करने का कोशिश किया, वहां पे वो हर शाम को 6 से 9 प्रचार करते थे। यहाँ तक कि जो है गोपाल और सैली वो लोग नॉनवेज खाते थे, फिर भी प्रभुपाद ने जो है उनको बुरा लगने नहीं दिया। प्रभुपाद पूरे परिवार के लिए खुद भोजन बनाते थे और प्रभुपाद ने वहां पे सब अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में प्रोग्राम करने की कोशिश की, पर वहां पे इतनी कामयाबी प्राप्त नहीं होने के कारण प्रभुपाद वहां से जो है न्यूयॉर्क की ओर निकल आए, फिलाडेल्फिया और फिर वहां से न्यूयॉर्क। अब यहाँ पे जा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे प्रभुपाद जी को जो है बिल्कुल कोई सम्मान पूर्वक बुला के जो है उनका सुनने के लिए कथा सुनने के लिए तैयार है। प्रभुपाद जी को यहाँ पे भी उतना ही संघर्ष देखना पड़ा। तो यहाँ पे भी वर्णन आ रहा है कि एक मिश्रा राम मूर्ति मिश्रा करके थे सज्जन, जो खुद एक जो है सन्यासी जैसे थे। तो उन्होंने जो है प्रभुपाद को नेवता दिया था कि आके रहिए, लेकिन उसके बारे में वर्णन किया जाता है कि ये पूरे मायावादी थे और वो पूरा मायावाद के बारे में जो है चर्चा करते रहते थे। तो प्रभुपाद अपने एक बार प्रवचन में बता रहे थे कि जब ये मिश्रा लेक्चर देता था तो मैं पीछे बैठ के सुनता था और वो पूरा जो है बकवास करते थे, लेकिन मुझे चुप रहना पड़ता था और वो पूरा मायावाद के बारे में बोलते थे। फिर एक दिन उन्होंने प्रभुपाद को बोला कि प्रभुपाद आप कुछ बोलना चाहेंगे, तो प्रभुपाद ने स्पष्ट रूप से कृष्ण भक्ति के बारे में बताया और बोला कि जो भी ये सिद्धांत बोल रहे हैं वो सब बकवास है और वो शंकराचार्य का जो है सिद्धांत है। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं अपने प्रवचन में बता रहे थे कि He tried to back out that he was not speaking Shankaracharya. मतलब उसको उसमें भी वाद विवाद करने में लग गए थे वो ये जो मिश्रा जी हैं कि नहीं मैं शंकराचार्य का नहीं बता रहा हूँ वगैरह वगैरह। तो प्रभुपाद उनको बोले और उनके साथ चैलेंज भी कर रहे थे कि तुम वही चीज बता रहे हो और जो है आपके जो जो आप प्रवचन दे रहे हो उससे किसी का कुछ कल्याण नहीं होने वाला है। तो मिश्रा जी स्वामी जी को बोले कि मैं आपको बहुत प्रेम करता हूँ, मैं आपको आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, पर मैं यहाँ आपको प्रवचन देने नहीं दे सकता। तो उनको लग रहा था कि अरे कि ये प्रवचन देंगे तो ये सारे मेरे शिष्यों को अपने तरफ खींच लेंगे और मेरा पूरा जो प्रचार है और वो सब है वो पूरा खत्म हो जाएगा। तो अभी प्रभुपाद को ऐसे जिस मायावाद के जिसका प्रभुपाद ने पूरा जीवन खंडन किया था उनके साथ रहना पड़ रहा है। तो बताते हैं कि जब वो जैसे पहुंचे बस टर्मिनल पे तो वहां पे मिश्रा के एक शिष्य आए थे और उनको लेके गए और ये उनका जो कमरा था वो था 33 रिवर साइड जो हडसन रिवर के पास था। तो वहां पे प्रभुपाद एक कुछ इंडियन फेस्टिवल था तो वहां पे रविशंकर और उसके भाई से भी मिले, तो जो डांसर थे जिसका नाम था उदय शंकर। तो रविशंकर देखिए अभी जिन्होंने श्री श्री रविशंकर करके उन्होंने पूरा अपना ग्रुप बनाया हुआ है, तो ये 1965 में प्रभुपाद के साथ अमेरिका में थे और वो भी उस वक्त अपना सब कार्य कर रहे थे। तो यहाँ पे बताते हैं कि मिश्रा जी का स्वभाव कैसा था, वो सिर्फ जो है शब्द कई मीठे मीठे शब्द बोल के लोगों को रिझाने की कोशिश करते थे। यहाँ पे आया है कि वो बहुत सुंदर बहुत प्यारा खूबसूरत ऐसे शब्द मीठे मीठे शब्द बोल के लोगों को रिझाने की कोशिश करते थे। तो जैसे बताया जाता है कि अमेरिका में
उनको बोलते थे अप टाउन स्वामी, कि मतलब ये नए स्वामी है जो आए हैं यहाँ पे, और उनके पहले के बारे में बताया जाता है कि वो संस्कृत स्कॉलर थे और अभी वो जो है गुरु बन चुके थे। तो उनको प्रोफेशन में उन्होंने मेडिकल का प्रैक्टिस भी किया था, पहले डॉक्टर भी बने थे, डॉक्टर भी थे वो, और उन्होंने कई किताबें लिखी थी जो शंकराचार्य के ऊपर आधारित थी, तो उसमें किताबों का नाम भी यहाँ वर्णन किया गया है। तो सन्यासी होने के बावजूद वो लाल कपड़ा नहीं पहनते थे, सैफ्रन नहीं पहनते थे, वो जो है नेहरू का जैकेट पहनते थे और सफेद कपड़ा पहनते थे, सन्यासी अपने आप को बोल के। उनका उम्र 44 साल का था और वो तकरीबन इस समय प्रभुपाद के पुत्र के उम्र के थे। तो बोलते हैं कि मिश्रा जी की तबीयत काफी खराब रहती थी और प्रभुपाद जब उनके साथ रहने के लिए आए तो मानो प्रभुपाद के आने से उनके उनके जीवन में काफी बदलाव आ गया, उनको काफी मदद हो गया। यहाँ तक कि वो खुद मिश्रा जी प्रभुपाद के बारे में याद करके बोलते हैं कि मैं तो उनके प्रेम से ही जो है पूरी तरह से पराजित हो गया था, वो तो प्रेम के ही अवतार थे। ये मिश्रा जी खुद अपने शब्दों में बोल रहे हैं। तो बोल रहे हैं मेरा शरीर तो बिल्कुल हड्डी का ढांचा हो गया था, लेकिन जिस तरह से प्रभुपाद मेरा ध्यान रखते थे, मेरे लिए भोजन बनाते थे, मेरे को प्रसाद खिलाते थे, और खिलाते समय बोलते थे ये प्रेम है, कृष्ण भगवान का प्रसाद है, आप इसको स्वीकार करिए। तो मैं खुद इतना कुकिंग में उस्ताद नहीं था, लेकिन प्रभुपाद के संग में रह के जो है मुझे अच्छा से प्रसाद मिला, अच्छा से भोजन मिला। अब देखिए हम लोग प्रभुपाद के बारे में वापस से एक चीज देख रहे हैं। प्रभुपाद जब सैली अग्रवाल के घर में थे, गोपाल अग्रवाल के घर में थे, सैली जो है प्रभुपाद को मालूम था वो सिगरेट पीती है, ये लोग नॉनवेज खाते हैं, और उनका कुछ भी भक्ति से लेना देना नहीं था, लेकिन प्रभुपाद जो है उन सबको भी पूरा भोजन बना के खिलाते थे। अब प्रभुपाद यहाँ पर आए तो यहाँ पे मिश्रा जी थे जिनका सिद्धांत बिल्कुल ही अलग था, बिल्कुल मायावादी थे, उनको बोलने नहीं देते थे, लेकिन फिर भी प्रभुपाद उनकी तबीयत खराब है देख के स्वयं कुकिंग करते थे, ऑफर करते थे और मिश्रा जी को भी बना के खिलाते थे। तो एक चीज हम देख रहे हैं प्रभुपाद का भाव हमेशा क्या था, सेवा करने का। तो वो जहां भी जाते थे अपने सेवा भाव से लोगों का दिल जीत लेते थे। फिर बताते हैं मिश्रा जी जो है प्रभुपाद के भोजन बनाने का पे बहुत जो है उसके प्रशंसा करते थे और बोलते थे जैसे कोई केमिस्ट दवाई बनाता है वैसे प्रभुपाद जी खाना बनाते हैं। और उन्होंने ऐसे ही उदाहरण दिया, लेकिन वास्तविक रूप में प्रभुपाद केमिस्ट थे और पहले उन्होंने इतना फार्मेसी का बिजनेस किया था, तो जितने अव्वल तरीके से प्रभुपाद जो है भोजन बनाते थे उतने ही उन्होंने अव्वल तरीके से कई दूसरे कार्य भी किए थे। तो बोलते हैं कि वो इतने सारे आइटम बनाते थे और मुझे बहुत आनंद आता था खाने में। बोलते हैं सिर्फ मेरे को ब्रेड लाके नहीं देते थे, वो मेरे को प्रसादम लाके देते थे, और ये मेरा जीवन था, इस प्रसाद ने मेरा जीवन बचाया। तो प्रभुपाद ने उनको विशेष रूप से सिखाया था कि समय पे भोजन करना चाहिए। तो बोलते समय पे भोजन करने से अगर आपको भूख नहीं भी हो तो कम खाइए, लेकिन खाते रहिए। तो समय का सिद्धांत से करने से मिश्रा जी बोलते मेरा तबीयत बहुत अच्छा हो गया। तो ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है हमारे लिए कि हमें समय पे प्रसाद जो है प्राप्त करना चाहिए, तो उससे हमारा स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहेगा। तो और वो प्रभुपाद हमेशा बोलते थे कि ये भगवत प्रसाद है, तो इससे आपका पूरी तरह से शुद्धिकरण होगा, और ऐसे बोल के उसको प्रभुपाद खिलाते रहते थे। प्रभुपाद कई बार मिश्रा जी को, डॉक्टर मिश्रा जी को वो बताना चाहते थे कि उनका उद्देश्य क्या है अमेरिका में आने का, कि उनके गुरु महाराज का एक इच्छा था, एक उनकी बहुत बोलते हैं ना कृष्णा कॉन्शियसनेस पूरे विश्व में फैलाना चाहते थे वो, तो उसके लिए वो आए हैं, और वो चाहते थे कि मिश्रा जी उनको हेल्प करें। पर मिश्रा जी अपने ही प्रचार कार्य में लगे थे, वो जो है उनको बिल्कुल मदद नहीं कर पाए, और यहाँ तक कि कई हफ्ते प्रभुपाद मिश्रा जी के साथ रहे, फिर उनको भी थोड़ा मुश्किल होने लगा तो प्रभुपाद जी को रखना, तो उन्होंने उनको दूसरे जगह पे शिफ्ट कर दिया। बोलते हैं 72nd स्ट्रीट सेंट्रल पार्क के पास, तो वहां पे दूसरा एक जगह उनको प्रभुपाद को रहने के लिए दिया। तो वहां पे बताते हैं खिड़कियां भी नहीं थी, ऐसे जगह पे उनको ठहराया था। अब आप सोचिए आप किसी घर में जाके रहें जहाँ पे खिड़कियां भी ना हो,
तो मतलब आप समझ सकते हैं वेंटिलेशन बिल्कुल भी नहीं है, हवा बिल्कुल नहीं था, लेकिन प्रभुपाद को ऐसी जगह पे भी रहना पड़ा। और उनका सिद्धांत मायावाद का था, सब कुछ एक है करके। तो प्रभुपाद कई बार उनसे वाद विवाद करते थे और बोलते थे अगर सब कुछ एक है तो हम लोग माया में कैसे पड़ गए, और अगर हम माया में पड़ गए तो माया हमसे जो है शक्तिशाली होगी, या अगर हम भगवान हैं और भगवान से शक्तिशाली माया हो गई जो कभी संभव नहीं हो सकता। तो मायावादियों का क्या कहना है कि हम लोग सब भगवान हैं और अभी हम लोग माया के प्रभाव में आके यहाँ फंस गए। तो प्रभुपाद का सिंपल जवाब इसका ये था कि अगर हम माया के प्रभाव में आके यहाँ फंस गए हैं और हम स्वयं भगवान हैं तो माया हमसे शक्तिशाली है, तो मतलब माया भगवान से शक्तिशाली है जो कभी संभव नहीं है। तो प्रभुपाद स्पष्ट रूप से उनके बात का खंडन करते थे पर वो स्वीकार नहीं करते थे। तो प्रभुपाद बोलते थे कि ये लोग जो मायावाद का सिद्धांत बोलते हैं ये बहुत जो है अपराध करने योग्य है भगवान का, इट्स वेरी इंसल्टिंग टू द सुप्रीम लॉर्ड, मतलब ये भगवान का अपराध करने के योग्य है। तो गीता में भी बताया गया है अवजानंती मां मूढ़ा मानुषं तन्मासि, क्योंकि लोग मूर्ख हैं जो मुझे स्वीकार नहीं करते। तो सातवें अध्याय 24वें श्लोक और उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं यहाँ पे। तो चैतन्य महाप्रभु ने भी बताया था कि भगवान का कृष्ण भगवान का शरीर, उनका ऐश्वर्य, उनका सब कुछ, ये सब दिव्य है और इस भौतिक जगत से कुछ उसका लेना देना नहीं है। और चैतन्य महाप्रभु हमेशा जो है मायावाद का खंडन किए। तो प्रभुपाद ने भी कई बार जो है अपने भागवतम में इसका खंडन किया था। तो प्रभुपाद बोलते थे कि अगर हम मायावाद सिद्धांत को समझने की कोशिश करेंगे या उनके संपर्क में कोई रहेगा तो ये जीवन समाप्त होने के बाद वो भगवत धाम नहीं जा पाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु बोले मायावादी कृष्ण अपराधी, कि मतलब ये लोग जो है कृष्ण के बड़े अपराध करते हैं मायावादी, जो बोलते हैं भगवान का रूप नहीं है, भगवान के गुण नहीं है, भगवान ने ये जो लीला की है ये सब माया है करके। और चैतन्य महाप्रभु ने एक और बार स्पष्ट बता दिया था कि जो भी कोई ये शंकराचार्य का मायावाद का सिद्धांत सुनेगा तो उसका आध्यात्मिक जीवन नष्ट हो जाएगा। मायावादी भाष्य सुन ले होइलो सर्वनाश। तो यहाँ पे मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि कई बार कई कथाकार लोग बहुत अच्छे से प्रवचन करते हैं और रोमांचकारी तरीके से वो लोग बात करते हैं। तो बहुत सारे अभी तो आस्था चैनल है, संस्कृति है, बहुत सारे टीवी पे कई कई चैनल्स हैं और कई लोगों को लगेगा देखिए हम हमेशा कथा सुनते रहते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसे कथाकार हैं जो मायावादी धारणा अपने मन में बनाए रखे हैं तो कुछ भी बोलेंगे उसका हम सुनेंगे तो उससे हमारा भक्ति का नाश होगा, ये चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया। इसलिए मैं भक्तगणों को हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर सुनना है तो जो है इस्कॉन के भक्तों का सुने या प्रभुपाद का प्रवचन सुने। प्रभुपाद ने भी हजारों में लेक्चर दिए हुए हैं और बहुत सारे अभी भी इस्कॉन के बहुत सारे सन्यासीज हैं, डिवोटीज हैं, उनका प्रवचन सुने। इस्कॉन के बाहर का सुनना थोड़ा डेंजरस हो सकता है, थोड़ा नहीं काफी डेंजरस हो सकता है, क्योंकि आप जिसका सुनेंगे फिर आपकी चेतना उनके जैसे बन जाएगी। तो प्रभुपाद जो थे वो तो कई सालों से एक सन्यासी के तैसे वैरागी के जैसे घूम रहे थे, तो इनके साथ जो है काफी बार उन्होंने चर्चा करने की कोशिश की, लेकिन प्रभुपाद के लिए बहुत मुश्किल था ऐसी जगह पे रहना, क्योंकि प्रभुपाद मायावाद के बिल्कुल विपरीत थे और उनको अभी मायावाद के साथ रहना पड़ रहा था, उनका सुनना पड़ रहा था, क्योंकि प्रभुपाद के पास कोई रहने का जगह नहीं था। तो प्रभुपाद की इच्छा थी अमेरिका में जाके कृष्ण के बारे में बोलना, कृष्ण का प्रचार करना, और प्रभुपाद ऐसी परिस्थिति में आके फंस गए जहाँ पे वो मायावादी के साथ रह रहे हैं और उनके साथ उनको जो है रहने का प्रबंध और भोजन का प्रबंध उन्होंने कराया सागर। तो अभी हम श्रीमद् भागवतम में आ जाते हैं। श्रीमद् भागवतम में हम चर्चा कर रहे थे, कल हमने 14-15 श्लोकों तक चर्चा किया, तो उसमें एक अच्छा श्रृंखला आया है 13, 14, 15, 16। तो हम देख रहे हैं कि कैसे ध्रुव महाराज यक्ष के साथ युद्ध कर रहे हैं, तो वो कल हमने पूरा विस्तार पूर्वक सुना कैसे 1,30,000 जो है यक्ष वो आक्रमण के लिए आए और अकेले ध्रुव महाराज उनको साथ युद्ध कर रहे थे।
तो अभी 13वें श्लोक में 14, 15 और 16 और 17 ये 5 श्लोकों में एक उदाहरण के रूप में बताया गया है कि कैसे युद्ध शैली चल रही थी और युद्ध शैली में कैसे जो है वो अलग अलग उदाहरणों से प्रस्तुत किया गया है ये पूरा युद्ध। तो 13वें श्लोक में बताया गया है कि ध्रुव महाराज के ऊपर बहुत सारे अस्त्र शस्त्र चलाए गए। तो वो हमने कल सुना कि कैसे एक जो पहाड़ होता है वो पहाड़ के ऊपर बहुत सारा बरसात आता है, असारेना यथा गिरी, गिरी मतलब पहाड़, तो उसपे जितना बरसात आता है तो वैसे ही ध्रुव महाराज के ऊपर बहुत सारे अस्त्र शस्त्र आ रहे थे। और कल हमने ये भी सुना कि जो है पहाड़ पे जब बहुत बरसात आता है तो पूरा पहाड़ धुल जाता है और बहुत और जो है खूबसूरत लगता है। तो वैसे जितने भी अस्त्र शस्त्र आ रहे थे उससे उनका पराक्रम की और महिमा सुनने मिलेगी। तो पहला हो गया उदाहरण पहाड़ के ऊपर बरसात आना। दूसरा 14वें श्लोक में आता है कि कैसे ऐसा लग रहा था कि ध्रुव महाराज जो है यक्ष से पराजित हो रहे हैं, या यक्ष लोगों ने जो है उनको पूरा तरह से डुबो दिया है। और उदाहरण दिया गया था जैसे सूरज जो है वो समुद्र में डूब जाता है, सूर्यो मग्न अर्णवे। तो सूरज हम सबको मालूम है समुद्र में डूबता नहीं है, वो सिर्फ ऐसा लग रहा है सूर्यास्त हो रहा है, और वाकई जब समय आता है, जब सूर्योदय का समय आता है तो वापस से सूर्य जो है उसका उदय होता है। तो उसी प्रकार से ध्रुव महाराज सिर्फ ऐसे व्यतीत हो रहा था, ये 14 श्लोक में है कि वो यक्ष से पराजित हो रहे हैं और यक्ष को लग रहा था कि नहीं हम विजय हो गए। तभी जो है ध्रुव महाराज वापस से प्राकट्य उनका होता है, वो सब अस्त्र शस्त्रों का नाश करते हुए निकलते हैं। तो ये 15वें श्लोक में है जहां तक कल हमने चर्चा किया। तो ये बताते हैं जैसे सूर्य आता है तो सूर्य जो कोहरा है जिसको अंग्रेजी में फॉग बोलते हैं उसको पूरी तरह से नष्ट कर देता है। तो ये 15वें श्लोक में तीसरा उदाहरण दिया गया है निहारत इव भास्कर। तो भास्कर मतलब सूरज के लिए बोलते हैं कि कैसे निहार इव भास्कर, ये उसका संस्कृत शब्द बताया गया है कि किस तरह से जो सूरज आने से कोहरा हट जाता है। तो ध्रुव महाराज के आते ही कैसे वो अस्त्र शस्त्र का विनाश करते हुए पूरे यक्ष का अंत करेंगे, ये 15 तक हमने सुना था। अभी 16 और 17 श्लोक, 16वें श्लोक में बताते हैं कि ध्रुव महाराज जो है उन्होंने अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करके सारे के सारे यक्षों को अंत किया और उनके जो तीर और वो सब उन्होंने छोड़ रखे थे उनको भी काट दिया। तो यहाँ पे जो है 16वें श्लोक में बोल रहे हैं कि जैसे हवा तेजी से बहती है और हवा बहते हुए पूरे बादलों को जो है यहाँ वहां बिखेर देती है। तो ये 16वें श्लोक में चौथा उदाहरण दिया जा रहा है कि हवा जब तेज गति से जाती है तो वो बादलों को यहाँ वहां तितर बितर कर देती है। तो अगर आपको याद होगा हमने भागवतम में पहले सुना था वायुर इव घनावली, ये बड़ा फेमस लाइन आया है वायुर इव घनावली, जैसे हवा जो है वो बादलों को हिला देती है वैसी हमारे कर्मों के द्वारा हम लोग जो है हमारे जीवन में कार्य करते जाते हैं और हमारा जीवन व्यतीत होते जा रहा है। तो जैसे हवा बादल को लेके जाती है वैसे कर्म हमको लेके जाते हैं। तो फिर बोलते हैं कि कैसे उन्होंने अपने धनुष बाण अपने धनुष में से जो है सिर्फ आवाज किया उससे सब लोग जो है घबरा गए। और फिर अंतिम में 17वें श्लोक में ये आखिरी उदाहरण है 5 उदाहरणों में कि उनके तीरों से ध्रुव महाराज के यक्षों का सब शरीर कट रहा था, मानो वज्र से जैसे पहाड़ टूटते हैं, गिरीन आसान्यो यथा। तो जैसे पहाड़ों पे अगर जब वज्र का प्रहार होता है तो पहाड़ कैसे टूट जाते हैं वैसे, तो उसी प्रकार से इनके अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग हो रहा था एक वज्र के समान। तो यहाँ पे असन्नया जो है असन्नया शब्द का प्रयोग हुआ है 17वें श्लोक में जो वज्र के समान बोल रहा है। तो अभी प्रभुपाद आने वाले इसमें जो है काफी महत्वपूर्ण चीज बताने वाले हैं। अभी 18 से 21 श्लोक में 18, 19, 20, 21 ये 4 श्लोक में बताया जाता है कि यक्ष जिनको काफी लोग मारे गए थे और बाकी यक्षों का जो है हाथ पैर कट गया था तो वो लोग सब जो है रण छोड़ के भागने लगे।
तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है, यहाँ मैत्र ऋषि 18वें श्लोक से फिर बता रहे विदुर जी को कैसे यक्षों का सर कट गया और ध्रुव महाराज के तीरों से। और बताया जाता है जब उनका सर कट गया तो उनके सर पे जो है बहुत महंगे मुकुट थे और सबने बहुत मूल्यवान कान के गहने पहने हुए थे, जैसे हम लोग बुट्टी बोलते हैं या जो भी आप बोलते हैं। तो बता रहे हैं कि उनका हाथ पैर भी कट गया था और उनके हाथ पैर में भी इतने सोने के भारी के कंगन और ऐसे सब हीरे जवरात थे। तो ये सब बताता है, ये सब जो गहने थे जो उन्होंने पहने हुए थे वो पूरे तरह से फैले हुए थे रणभूमि पे। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं तात्पर्य में कि उस समय में जब लोग युद्ध करने जाते थे तो युद्ध करते समय ये लोग बहुत अपने आप को सजा धजक के आते थे। वो लोग बिल्कुल सोने के गहने पहनेंगे, सोने के मुकुट पहनेंगे और ऐसे ये लोग युद्ध पे आते थे। और जब युद्ध पे कोई जिनका देहांत हो जाता था तो जो दुश्मन के लोग होते थे या दूसरी पार्टी के लोग होते थे वो लोग सब ये सोना गहने सब लेके चले जाते थे, ऐसे वर्णन कर रहा है। तो फिर जो है 20वें श्लोक में भी वर्णन आ रहा है। तो जो लोग यक्ष लोग जिनका सिर्फ उनका देहांत नहीं हुआ था, उनके सिर्फ उनको चोट लगी थी या बता रहे हैं कि उनका थोड़ा जो है उनके तीरों से ध्रुव महाराज से, वो लोग सब भागने लगे। और उदाहरण दिया गया है जैसे ही हाथी भागता है शेर के आक्रमण से, तो शेर का आक्रमण तो यहाँ पे आया है लाखरी लाइन में, मृगेंद्र विक्रदित युताप इव। तो मृगेंद्र मतलब हाथी के लिए बोला, ये शेर के लिए बोला गया। जब लायन शेर अटैक करता है तब हाथी कैसे भागता है, तो वैसे ही यक्ष सब भागने लग गए। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं, एक बार मैंने आप लोग को इस प्रवचन में पहले भी बताया था, काफी अच्छा उन्होंने उदाहरण दिया। जब शेर का बच्चा भी होता है तो जब वो हाथी को देखता है तो वो ये नहीं देखता कि मैं छोटा हूं और ये नहीं देखता कि हाथी बड़ा है, वो तुरंत छलांग लगाता है, आक्रमण करने लगता है। तो साइज से उसको कुछ लेना देना नहीं है, वो शेर के अंदर जो है भावना रहती है कि नहीं मुझे लड़ना है, मुझे उसको हराना है। और उसको फर्क नहीं पड़ता वो कितना विशाल काया का है, कितना विशाल शरीर है। तो बोलते हैं वैसे ही अगर हमारी चेतना भी उतनी मजबूत हो जाए तो फिर हम जो है जितना भी है भगवान की सेवा में और भगवान को प्रसन्न करने में लग सकते हैं। हमारी पूरा चेतना पे आधारित होता है कई चीजों। फिर 21वें श्लोक में आगे आ रहा है, ध्रुव महाराज जो सभी मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ थे, कि उन्होंने देखा कि सारे लोग छोड़ के भाग रहे हैं तो उनकी इच्छा हुई कि मैं अलकापुरी जाता हूँ, मतलब यक्ष का जो स्थान है वो देखने के लिए। पर उनके मन में ये विचार आ रहा था कि भाई ये यक्ष लोगों के पास बहुत जादुई शक्ति है तो इन पे कभी भरोसा नहीं कर सकते। तो जब ये ऐसे विचार ही कर रहे थे तब बताया जाता है एक बहुत जोर से गर्जन की आवाज होने लगी, मानो एक समुद्र का पूरा लहर उनके ऊपर आ रहा है और दूसरी ओर से एक तूफान पूरे मट्टी का वो उनकी तरफ आने लगा। अब ये देखिए यहां से भी जो है वर्णन आने लग रहा है कि कैसे ये जो है 22 से 28 श्लोकों में, ये 6 श्लोकों में वर्णन आएगा यक्ष कैसे ध्रुव महाराज को भ्रमित करते हैं, तो वो पूरा विस्तार पूर्वक बता रहे हैं। तो अब इतना चल रहा है, एक तरफ से पूरा एक समुद्र का बड़ा लहर उनके ऊपर आ रहा है, दूसरी तरफ से मिट्टी का तूफान उनकी तरफ आ रहा है। और उसी पल जो है उनके सामने एक बहुत घना बादल भी आ गया और उसमें से भी बिजली की जो है गरजने की आवाज आई। और उसमें से बताया जाता है जो बिजलियां हैं उनके ऊपर बरसात की तरफ गिरने लग गई। तो अभी मैत्र ऋषि विदुर जी को बता रहे हैं कि उसी समय उस बादल में से जो है खूब बरसात होने लगी और ये सब जो बरसात होने लगी वो सब अशुद्ध चीजों का बरसात हो रहा था, जिसमें मल मूत खून ये सब भारी मात्रा में जो है गिर रहा था। यहाँ तक कि मृत लोगों के शरीर भी आसमान से गिरने लगे ध्रुव महाराज के ऊपर। इतना नहीं, इतना तो सब हो रहा था, अब उसके साथ साथ एक बहुत ही विशाल पर्वत सामने आ गया और उस पर्वत से जो है
अलग अलग अस्त्र शस्त्र उनपे गिर रहे थे, जो है तीर, भाले, ये वो जितने भी सब है यहाँ पे लिखा है, लैंसेस, क्लब, स्वॉर्ड्स, जो है तलवारें और आयरन ब्लजन्स और बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े, वो सब गिरने लग गए। तो ध्रुव महाराज अभी और देखने लगे, उस पहाड़ में से बड़े बड़े सर्प आ रहे थे निकल के, पूरे क्रोध वेश में, उनकी आंखों में पूरा क्रोध क्रोध था, मुख में से ये सब सर्प आग निकाल रहे थे, और मानो जो भी कोई उनके सामने आएगा उसको पूरा का पूरा निगल जाए। और उसी पहाड़ में से जो है हाथी, जो है पागल हाथी निकल के भागते हुए आ रहे थे, शेर और जो है लायन और टाइगर्स, ये सब भी उसमें से आ रहे थे। सिंह व्याघ्र जो है वर्णन किया गया है, सिंह और व्याघ्र, सिंह मतलब लायन और व्याघ्र मतलब टाइगर, तो वो सब भी जो है उसमें से निकल रहे थे। तो मानो ऐसा लग रहा था ध्रुव महाराज को कि पूरा सृष्टि का जब विनाश हो रहा हो तो इतना प्रलय आता है, इतना सब चीज उनके ऊपर आ रहा था। तो उसी प्रकार जैसे मैंने बताया कि उत्तर समुद्र के लहरें भी जोर जोर से उनके ऊपर आ रही थी, बड़ी बड़ी लहरें, ये पूरी मायावी शक्ति थी जिससे लहरें, तूफान, पहाड़, पहाड़ में से सर्प और हाथी, घोड़े, हाथी और शेर, ये सब अत्यधिक अत्यधिक जानवर आ रहे हैं। मतलब ये मायावी शक्ति क्या प्रपंच यक्षों के पास था, जो हम सोच भी नहीं सकते, वो पूरा वर्णन किया गया है। तो उनके जो 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 दानवी शक्ति थी, तो उससे उन्होंने ये सब जो है सब किया था। लेकिन वो ही व्यक्ति इससे डर सकता है जिसको अध्यात्म का ज्ञान न हो, जिसको भगवान की कृपा प्राप्त न हो, तो ऐसा वर्णन किया गया है। तो जैसे ही साधुओं ने देखा, संतों ने देखा, क्योंकि हमने देखा है कि सिद्ध लोक के सारे जो है निवासी, वो लोग भी आसमान में आ गए थे, वो भी देख रहे थे। तो उन्होंने देखा, साधुओं ने, संतों ने, कि कैसे ध्रुव महाराज पे पूरा ये राक्षसों का, यक्षों का आक्रमण हो गया है, और कैसे वो इस आक्रमण से घिर गए हैं। तब वो ये साधुओं ने जो है ये तीसवा श्लोक, जो बहुत जरूरी है हमारे लिए, वो बोला। तो ये 30th श्लोक जो है इस अध्याय का सबसे आप कह सकते हैं मुख्य श्लोक है। तो वो बोल रहे हैं, उत्तानापाद भगवान स्तव सारंग धानव। अब उत्तानापाद मतलब उत्तानापाद के पुत्र के लिए बोल रहे हैं, ध्रुव महाराज के लिए बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं आप पे भगवान की कृपा हो जो है सारंग धानव, जिन्होंने सारंग धनुष पकड़ा हुआ है। तो जिन्होंने सारंग धनुष पकड़ा हुआ है, मतलब ये भगवान को सारंग धनुष धानव करके नाम दे रहे हैं, कि जब भगवान सारंग धनुष लेकर आते हैं तो वो अवश्य अपने दुश्मनों का विनाश कर देते हैं। तो आप भी इन सबका, यक्षों का, दानवों का आप विनाश कर पाओगे। और फिर बोलते हैं कैसे आप विनाश कर पाओगे, और उदाहरण देते हैं। ये इसके लास्ट दो लाइन 30th वर्स के काफी इंपॉर्टेंट है, जो लोग भागवतम लेके बैठे हैं वो लोग मार्क कर सकते हैं। यन नाम धेयम अभिधाय निशाम्य चादर लोको अंजस तरती दुस्तरम अंग मृत्युम। तो ये उदाहरण दे रहे हैं कि जिस तरह से भगवान का नाम भगवान के समान है। ये देखिए, ये जो है अभी जो मुनिवर हैं, मुनिया उवाच, वो भी वही चीज बोल रहे हैं जो हम फर्स्ट कैंटो से सुनते आ रहे हैं, अभिन्न नाम नामित्वम, कि भगवान का नाम और भगवान दोनों एक समान है। तो बोलते हैं भगवान का नाम भगवान की पूरी शक्ति रखता है, इसलिए कोई भी भगवान का नाम जब या भगवान की कथा सुनता है तो वो पूरी तरह से भगवान उनकी सुरक्षा करते हैं, यहाँ तक कि स्वयं मृत्यु से भी जो है उनकी रक्षा होती है, और वो भक्त जो है हमेशा बच जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे आखिरी शब्द है दुस्तरम अंग मृत्युम, मतलब मृत्यु से भी उनकी रक्षा हो जाती है। अर्थात शरीर तो त्यागने वाले ही हैं, लेकिन जैसे प्रभुपाद ने बताया है, एक जो बिल्ली होती है वो अपने बच्चे को भी अपने मुंह से लेके जाती है पकड़ के, और चूहे को भी लेके जाती है। जब चूहे को लेती है तो चूहे को मार डालती है अपने मुंह से। तो चूहे के लिए बिल्ली का मुंह जो है वो मृत्यु के समान है, लेकिन वही मुंह एक जो बिल्ली का बच्चा है उसके लिए, अरे ये तो अपनी माँ है, तो उसको प्रेम आता है, बिल्कुल भी भयभीत नहीं होता। तो मुंह एक ही है दोनों के लिए, प्रभुपाद बताते हैं, लेकिन एक के लिए साक्षात मृत्यु है और दूसरे के लिए माँ का प्रेम है।
तो ये फर्क होता है भक्तों में अभक्तों में। मृत्यु दोनों की आती है, लेकिन एक के लिए भगवान स्वयं एक प्रेममय पिता, एक प्रेममय माता के रूप में आते हैं और उनको भगवत धाम लेके जाते हैं, और दूसरे के लिए दर्दनाक जो है उनके कर्मों के कारण, उन्होंने जो जो गलत कार्य किए हैं जो है वो मृत्यु साक्षात आते हैं, यमदूत आते हैं और उनको फिर लेके जाते हैं। और हमने तीसरे स्कंद में सुना था कि कैसे कपिल मुनि सब बताते हैं कि कैसे उनको जो है नर्क लोक की ओर लेके जाते हैं और इतनी पीड़ा होती है, फिर वहां पे पीड़ा देते हैं और उसके बाद फिर दूसरा शरीर में वापस से जन्म लेना पड़ता है। तो अगर वो सब से बचना है तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है भक्ति करते रहना। तो प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत महत्वपूर्ण चीज बताते हैं कि कैसे जो है ये ऋषियों ने देखा कि ध्रुव महाराज जो है वो थोड़े भ्रमित हो गए हैं यक्ष के सब जादुई मायावी शक्ति से, लेकिन एक भक्त जो होता है वो हमेशा भगवान की सुरक्षा में रहता है। तो देखिए, अगर हम अपना सोलह माला कर रहे हैं, चार नियम पालन कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी सुरक्षा है। अगर आप बोलें किसी के पास दुनिया का सबसे बड़ा जेड सिक्योरिटी है, मैं बोलूंगा वो भी इसके सामने बिल्कुल तुच्छ है, बिल्कुल बकवास है। वो कोई जेड से जेड सिक्योरिटी भी वो सिक्योरिटी नहीं दे सकता जो भगवान सिक्योरिटी दे सकते हैं, भगवान अपने भक्तों की सुरक्षा कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर कोई भक्ति कर रहा है तो भगवान हमेशा उसको सुरक्षा करते हैं। ये प्रभुपाद के शब्द हैं, डिवोटी इज ऑलवेज प्रोटेक्टेड बाय द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। तो उसके लिए एक बार प्रभुपाद को पूछा गया, आपके इस्कॉन में जो है कोई शुद्ध भक्त है क्या? तो प्रभुपाद ने अपने एक शिष्य को पूछा और बोला कितने भक्त हैं हमारे इस्कॉन में तकरीबन। तो उसने बोला प्रभुपाद अभी 5,000 तक हैं पूरे पूरे विश्व भर के इस्कॉन में। तो प्रभुपाद ने रिपोर्टर को बोला हमारे इस्कॉन में 5,000 शुद्ध भक्त हैं। तो एक बार प्रभुपाद ने ऐसा भी जवाब दिया। दूसरी बार प्रभुपाद को पूछा गया था कि तो जो है भक्त भगवान को बहुत प्रिय है, तो भगवान प्रभुपाद ने बोला इस्कॉन में सिर्फ एक ही भक्त है, कौन? मैं स्वयं, बाकी सब साधका है। तो प्रभुपाद ने अलग बार अलग अलग चीज बताया था, लेकिन हमें समझना है कि अगर हम जो है अपने निजी जीवन में मेहनत कर रहे हैं भक्त बनने के लिए तो भगवान हमें अवश्य आश्रय देंगे। मैं आईवीएस का प्रोग्राम कर रहा था और मैंने आईवीएस प्रोग्राम में पूछा कि ये तो कितने भक्तों को अनुभव हुआ है कि भगवान ने उनको आश्रय दिया है, हाथ उठाइए। तो जितने के जितने आईवीएस के लड़के थे ये जूम चैनल पे, सब लोगों ने जो है हाथ उठाया और बोला हाँ, हम सब ने अनुभव किया है कि भगवान हमें अवश्य आश्रय देते हैं। तो अगर हम प्रमाणिक रूप से भक्ति कर रहे हैं तो निश्चित रहिएगा अवश्य भगवान का आश्रय रहेगा। ये हम 30th श्लोक का तात्पर्य पढ़ रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान की कृपा से साधु वहां पर आए और उन्होंने ध्रुव महाराज को आश्वासन दिया कि यहाँ ज्यादा खतरे की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आप पूरी तरह से भगवान को आश्रय लिए हुए। तो फिर बोलते हैं भगवान की कृपा से अगर कोई भक्त जो है अंतिम समय में पूरा महामंत्र जप करता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो वो इस भौतिक सागर जो है, भौतिक जो जन्म मृत्यु का चक्कर है, उसमें से निकल के वो आध्यात्मिक जगत चले जाता है। तो ये प्रभुपाद ने अंतकाले च मामेवा श्लोक में भी बताया हुआ 8.5 में। तो वहां पे प्रभुपाद गीता में दो बार बताते हैं ये चीज कि हमें जो है महामंत्र जप करना चाहिए। उसी एक परपट में प्रभुपाद दो बार महामंत्र लिखते हैं, और दो बार महामंत्र लिखने का उद्देश्य है प्रभुपाद का कि प्रभुपाद बोलते हैं हमें हमेशा जप करते रहना चाहिए, जब समय मिले हमारे मुख से महामंत्र निकलना चाहिए। तो प्रभुपाद बोले 2 hours ऑन बीट्स 22 hours ऑफ बीट्स, मतलब 2 घंटा आप माला करिए जो है बीड्स के ऊपर जप माला पे, और 22 घंटा बिना माला के आपके मुख से हमेशा जप हरे कृष्ण महामंत्र निकलते रहना चाहिए। यहाँ तक कि इतना आदत हो जाना चाहिए कि अगर कुछ कार्य ना हो, कुछ हम बोल नहीं रहे हो, तो अपने आप ही बाय डिफॉल्ट जो है जप हमारा महामंत्र निकलना चाहिए। जैसे अर्जुन बताया जाता है जब वो सोते थे तो सोते समय भी उनके मुख से कृष्ण 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 निकलता था, मतलब नींद में, गहरी नींद में भी अर्जुन कृष्ण कृष्ण बोलते थे। हम लोग में दूसरा है, हम लोग में उल्टा है, वो नींद में भी कृष्ण कृष्ण बोलते थे। हम लोग
कृष्ण कृष्ण बोलते बोलते नींद में चले जाते हैं सुबह के जपा के समय। तो ये थे अर्जुन का गुण कि वो नींद में भी बोल सकते थे हरे कृष्ण। तो प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि अगर हम अंतिम समय में देखिए, जो हम 16 माला कर रहे हैं, जो हम श्रवण कर रहे हैं, बोलते हैं लाइफ टाइम, लाइफ इज एन एग्जामिनेशन एंड लाइफ इज अ प्रिपरेशन, डेथ इज अ एग्जामिनेशन। अर्थात हमारा पूरा जीवन में जो हम कार्य कर रहे हैं वो एक परीक्षा की तैयारी है, परीक्षा की तैयारी है। रोज का 16 माला करना, 4 नियम पालन करना, भगवान की कथा सुनना, भगवान को भोग लगा के प्रसाद जो है स्वीकार करना, दिन भर भगवान की सेवा में लगे रहना, कृष्ण भानुअमृत बने रहना, सब लोगों की सेवा करना, मदद करना, ये सब प्रिपरेशन है। और एग्जामिनेशन क्या होगा? मृत्यु के समय। तो मृत्यु के समय प्रभुपाद बोल रहे हैं जो ये महामंत्र बोल पाएगा वो भगवत धाम चले जाएगा। तो भक्तगण बताते हैं कि कई बार ऐसा होगा कि हम लोग शायद उस शारीरिक अवस्था में नहीं रहेंगे जब हम महामंत्र बोल पाएंगे, लेकिन अगर हमने प्रामाणिक रूप से भक्ति की होगी तो कृष्ण भगवान जो है हमारे लिए, हमारे परिवार वाले, हमारे पास जो दूसरे भक्तगण है उनको भेज देंगे जो हमारे लिए जप करेंगे, और हम उनका जप सुनते हुए शरीर त्यागेंगे और हम जीवन सार्थक करेंगे। क्योंकि अधिकांश समय हम देखते हैं जब शरीर त्यागने का समय आता है तो शरीर इतना कमजोर हो जाता है और चेतना भी इतनी कमजोर हो जाती है कि लोग बेहोश के हालत में रहते हैं आखिरी के एक दिन दो दिन। तो ऐसी अवस्था में लोग जप नहीं कर पाएंगे, लेकिन उस समय जिन भक्तों के संग में हमने हरि कथा किया है, हरि कीर्तन किया है, वो लोग आएंगे और वो लोग हमें हरे कृष्ण महामंत्र सुना के चले जाएंगे, मतलब हमें भगवत धाम भेजेंगे। जैसे मैं गुणग्राही महाराज के साथ था, तकरीबन कुछ महीने मैंने उनकी सेवा की थी, और जब उनका अंतिम समय आने वाला था, मतलब कुछ ही दिन बचे थे, तो मेरे को खास बोला गया था क्योंकि आपने गुणग्राही महाराज की सेवा की है तो आप वृंदावन जाइए, उनके उनसे आशीर्वाद दे लीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं गया था भक्तिवेदांत हॉस्पिटल जो वृंदावन का है, वहीं पे मैं ठहरा था। तो बीबी गोविंद महाराज और उसमें राधानाथ महाराज भी थे, तो बीबी गोविंद महाराज शाम को जैसे उनको मालूम चला कि ये तो इनका तबियत खराब हो रहा है और कभी भी शरीर त्यागने वाले हैं, आप मानेंगे नहीं, मैं उस कमरे में था और बड़े बड़े विशाल कमरे हैं, मतलब उस कमरे में आप सोच सकते हैं तकरीबन 100 भक्त लोग थे, इतना बड़ा उधर कमरा था उनका। बीबी गोविंद महाराज ने 4 बजे से कीर्तन चालू किया और 4-5 बजे से, और वो कंटिन्यूस कीर्तन कर रहे थे। तो राधानाथ महाराज का अगले दिन का फ्लाइट था, वो भी महाराज जो है अपना सब कार्यक्रम छोड़ के उधर आ गए थे 4-5 बजे से, और महाराज 12-1 बजे तक वहां बैठे रहे और 12-1 बजे तक वो भी कीर्तन करते रहे, और फिर 1 बजे महाराज को, क्योंकि अगले दिन फ्लाइट में जाना था, महाराज 1 बजे निकल गए वहां से। और फिर जो है सुबह को 4 बजे में ब्रह्म मुहूर्त में जो है गुणग्राही महाराज ने शरीर छोड़ा, और तकरीबन बीबी गोविंद महाराज ने पूरे 12 घंटे उनके लिए कीर्तन किया, और जितने भी उनके साथ भक्त गण थे। तो मैं भी काफी देर तक रात तक बैठा रहा, उसके बाद जो है मैं भी काफी थक गया था क्योंकि दिन भर का ये मैं सेवा में था, तो उसके बाद फिर मैं भी आराम करने चला गया, और फिर मुझे मालूम चला कि सुबह को जो है महाराज ने शरीर त्यागा। तो यहाँ पे वही चीज बता रहे हैं कि अगर हमने भक्ति की होगी तो काफी वैष्णव आएंगे और वो कीर्तन करेंगे हमारे लिए। भक्तिवेदांत हॉस्पिटल में ऐसा प्रबंध किया गया है कि कोई भी डिवोटी अगर शरीर छोड़ने वाला हो, जब उनको मालूम चल जाता है कि अभी मेडिसिन देके कुछ फायदा नहीं होने वाला है, ये शरीर निश्चित रूप से छोड़ेंगे, तो पूरा उनका स्पिरिचुअल केयर का टीम आ जाता है और वो लोग कीर्तन करने लगते हैं, और एक डिवोटी गीता पढ़ता रहता है, थोड़े डिवोटी हरे कृष्ण कीर्तन करता है मृदंग पे करते हैं, और ऐसे जो है वो अंतिम समय में वो शरीर छोड़ते हैं। देखिए ऐसा शरीर छोड़ना जिनका बहुत अच्छा भाग्य है उन्हीं को प्राप्त हो सकता है, हम ये अरेंजमेंट करके नहीं कर सकते। जैसे बताया जाता है कई बहुत धनवान लोग होते हैं तो वो लोग दिल्ली में उन्होंने बहुत बिजनेस किया है, बहुत पैसा कमाया है, तो वो लोग वृंदावन में जो है फ्लैट ले लेते हैं और उनको लगता है बस अभी अंतिम समय में मैं वृंदावन में शरीर छोड़ूंगा और अपना जीवन सार्थक करूंगा। तो जैसे हमने प्रभुपाद लीलामृत में कई बार चर्चा किया है, सुना है कि वृंदावन में कोई शरीर छोड़े तो अवश्य भगवत धाम जाए। तो कई बिजनेसमैन लोग ऐसा सोच के दिल्ली के वृंदावन में फ्लैट ले लेते हैं और काफी समय वृंदावन में रहते भी हैं, और कभी कुछ काम के सिलसिले के लिए दिल्ली जाते हैं और वहीं उनका देहांत हो जाता है।
उन्होंने लिया वृंदावन में मकान, रहे वृंदावन में ये सोच के मैं वृंदावन में जो है अपना शरीर त्यागूं और अपना जीवन सार्थक करूं। तो भाई कोई बिजनेसमैन के हिसाब से या उसका जो जो है भौतिक जो है इंटेलिजेंस लगा के, बुद्धि लगा के आप भगवत धाम नहीं जा पाओगे। अगर आपने जीवन भर किया होगा तो कृष्ण भगवान प्रबंध करेंगे जिससे आप महामंत्र सुन के जीवन सार्थक कर सको। तो प्रभुपाद बोलते हैं आप आध्यात्मिक जगत चले जाओगे तो फिर वापस आपको इस भौतिक जगत में आना नहीं है जहाँ जन्म और मृत्यु हमेशा चलता रहता है। तो फिर बोलते हैं सिर्फ प्रभुपाद बोल रहे हैं सिंपली बाय चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड वन कैन सरपास द ओशन ऑफ डेथ। मतलब ये मृत्यु का जो सागर है, जो समुद्र है, भव सागर मृत्यु का, उसको निकलने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली चैंटिंग आपको हरे कृष्णा महामंत्र जप करना है। और बोलते हैं ध्रुव महाराज अवश्य जो है इनको इस पे विजय प्राप्त करेंगे। क्यों? क्योंकि जो है उन पे भगवान की पहले से ही कृपा थी। भले ही इस समय उनका भले ही मन विचलित क्यों ना हो लेकिन उनका अवश्य जो है उन पे कृपा होने वाली। तो बोलते हैं वो अभी अब सीधा अगले अध्याय पे आ रहे हैं, 11वां अध्याय। इसका पहला श्लोक ले लेता हूँ जो महत्वपूर्ण है। तो मैत्रेय उवाच यन नारायण निर्मितम, ये जो नारायण निर्मितम का शब्द आया है तो ये जो नारायण अस्त्र था वो उन्होंने लिया। 11th चैप्टर है। स्वयंभू मुनु जो है ध्रुव महाराज को शिक्षण देते हैं कि अभी आप युद्ध करना रोक दें। तो उसमें ये आता है नारायण अस्त्र का प्रयोग करते हैं और उसमें प्रभुपाद हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज बताते हैं। तो प्रभुपाद तात्पर्य में बोल रहे हैं पहले श्लोक में कि ध्रुव महाराज के पास एक विशेष अस्त्र था जो नारायण स्वयं भगवान ने दिया था और वो उन्होंने अपने धनुष पे लगाया। तो यहाँ पे वर्णन करे 7वें अध्याय का 14वां श्लोक, माम एव ये प्रपद्यन्ते माय मेताम तनंति। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं विदाउट नारायण द पर्सनालिटी नो वन इज एबल टू ओवरकम द एक्शंस ऑफ इल्यूजन एनर्जी। मतलब बिना भगवान की सहायता के हम माया पे कभी विजय नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो माया पे विजय प्राप्त करने के लिए हमें भगवान की, कृष्ण की सहायता बहुत जरूरी है। तो बोल रहे हैं अभी जैसे ध्रुव महाराज को स्वयं भगवान ने नारायण अस्त्र दिया था, वैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग के सब जीवों को, विशेष रूप से भक्तों को जो है अस्त्र दिया है। तो भागवतम में वर्णन है 11वें स्कंद में संगोपांगास्त्र। तो ये जो अस्त्र है पांगास्त्र वो क्या है? तो बोलते हैं जैसे नारायण अस्त्र है जिससे माया दूर जा सकती है, उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने हमें हरे कृष्ण महामंत्र दिया है और जो चैतन्य महाप्रभु उनके अनुयायी ने हम लोग को ये महामंत्र दिया है। अगर हम इस महामंत्र का प्रयोग करेंगे तो हम माया के प्रपंच से बचे रहेंगे। तो भागवतम अभी हम 11वें अध्याय में पूरा जो उसका ओवरव्यू है वो हम कल चर्चा करेंगे। अभी आप लोगों को मैं गीता के बारे में बता देता हूँ और साथ में आज हम थोड़ा राधानाथ महाराज का जनी होम भी चर्चा करेंगे। तो गीता में हम लोग ने जो है चर्चा किया था, प्रभुपाद बताते हैं परसों के इसमें हमने चर्चा किया था कि पर्पस क्या है गीता का। ये हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हो सकता है कि हम बहुत सारा चीज चर्चा करते रहें पर हमें हमेशा हमारा गोल ध्यान रखना है, हम भक्ति क्यों कर रहे हैं, भगवत धाम जाने के लिए। तो भक्ति करते रहेंगे तो ये भक्ति करना मतलब भगवत धाम के लिए टिकट प्राप्त करना है। जैसे हमारे पास रेलवे का टिकट होता है या फ्लाइट जाने के लिए टिकट होता है, वो टिकट बस हमें पकड़ के रखना है। अगर जो हमारे पास टिकट रहेगा और जब हम एयरपोर्ट पे जाएंगे या स्टेशन ट्रेन में जाएंगे तो टिकट दिखा के हम लोग बैठ सकते हैं और ट्रेवल कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से ये भक्ति जो है हमें टिकट दे रहा है जिससे हम भगवत धाम जा पाएंगे। तो प्रभुपाद ने पर्पस ऑफ गीता बताया था कि हमारा उद्देश्य है भगवत धाम जाना जिसके लिए हम भक्ति कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है 5 चीजों के बारे में हमने कल चर्चा किया था, भगवान, फिर जीव, फिर प्रकृति, काल और कर्म। तो इसमें बताते हैं कि जो प्रकृति है वो भगवान की निम्न शक्ति है लेकिन जो जीव है वो भगवान की उत्तम शक्ति है। तो
प्रकृति मतलब जो हमेशा किसी ना किसी के अधीन हो, पुरुष के अधीन हो, तो भगवान के अधीन है दोनों प्रकृति, और प्रकृति मतलब स्त्री। तो वो बोलते हैं कि जिस तरह से एक स्त्री हमेशा अपने पति के अधीन रहती है, वाइफ आर कंट्रोल्ड बाय द हस्बैंड, जो स्त्रियां होती हैं वो पति के वश में रहती हैं, तो उसी प्रकार से जो प्रकृति है वो भगवान के वश में रहती है। तो गीता के श्लोक में प्रभुपाद बता रहे हैं, अप्रेयम इतिस्तो अन्यम प्रकृति विद्धि मे परम जीव भूतम। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये जो प्रकृति है वो भगवान की है, लेकिन इससे एक अलग दूसरी प्रकृति है जो हम लोग हैं, जो जीव है। तो दो प्रकृति है, एक निम्न एक उत्तम वर्ग की, उत्तम वर्ग की हम लोग हैं जीव। तो फिर बोलते हैं जो प्रकृति होती है उसमें तीन गुण होते हैं, सत्व रजोतम गुण, और इसमें जो समय का प्रभाव रहता है, तो समय के प्रभाव में जो कार्य होते हैं इन प्रकृति के साथ मिश्रण में, तो उसको कर्म बोलते हैं। तो कर्म क्या है, एक समय में हम कैसे इन तीन गुणों के साथ प्रभाव कर रहे हैं उससे कर्म बनते जाते हैं। और बोलते हैं ये चीज जो है अनादि काल से कार्य चलते जा रहा है, जिसके कारण जीव जो है अलग अलग तरह से सुख और दुख भोग रहा है इस जीवन में। और इसको सरल करने के लिए प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं कि कोई बिजनेसमैन है, वो बिजनेसमैन ने बहुत पैसा कमाया, वो उस पैसे का फायदा उठाएगा, जो उसको जो है लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। लेकिन वही बिजनेसमैन बिजनेस में नुकसान कर देता है तो उसको भरपाई करना पड़ेगा। वैसा कर्म है, अगर आप अच्छे कार्य करोगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, अगर आप बुरे कार्य करोगे आपको बुरा फल मिलेगा। लेकिन इन पांच चीजों में जो है चार चीज कभी बदलते नहीं है। अभी इन चार चीज में कौन से चार चीजें जो बदलते नहीं है, वो है भगवान, ईश्वर, जीव, प्रकृति और काल, ये कभी बदलते नहीं है, लेकिन कर्म बदलते हैं। तो इन चारों में जो है प्रकृति के बारे में बताते हैं कि प्रकृति कुछ समय के लिए रहती है, पर वो जो है भ्रम नहीं है। जैसे कई लोगों का कहना होता है कि जो प्रकृति है वो जो है, भ्रम नहीं है, इट इज नॉट फॉल्स। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि इट इज टेम्पररी, मतलब कुछ समय के लिए रहेगी, फिर आपने विनाश हो जाएगा, लेकिन फिर वापस से उसका प्राकट्य होने वाला है। तो गीता इस बात को स्वीकार करता है कि प्रकृति जो है वो माया नहीं है, माया नहीं है मतलब वो फॉल्स नहीं है, वो सत्य है, लेकिन कुछ समय के लिए रहती है, फिर बाद में वापस से उसका प्राकट्य होता है। तो बोलते हैं यहाँ पे बाय दिस साइकिल इज वर्किंग एटर्नली, प्रभुपाद इस्तेमाल कर रहे हैं शब्द कि ये जो प्रकृति है वो कुछ समय रहती है, बाद में विनाश हो जाता है, बाद में वापस से उसका प्राकट्य होता है। तो ये प्रकृति भी जो है, ये जो हम देख रहे हैं हमारे पूरा ये जो भौतिक जगत बना हुआ है पंच धातु से, तो ये एटर्नल है, प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं। लेकिन अब ये सबसे मुख्य पाठ है, हम लोग जो गीता सुन रहे हैं, इंट्रोडक्शन जब समझ रहे हैं, कर्म जो है वो एटर्नल नहीं है। कर्म जो है सबसे बहुत पुराना है और उसके कारण हम सुख और दुख भोगते हैं, लेकिन हम अपने कर्मों का स्वरूप बदल सकते हैं, कर्मों का फल हम बदल सकते हैं। ये किस पे सिद्ध होता है, हमारे ज्ञान पे, प्रभुपाद लिखते हैं। और हम इस ज्ञान के बाद कैसे कार्यों में लगे हैं, तो अगर हम सही कार्यों में लगे हैं तो हम अपने कर्मों को बदल सकते हैं, ये स्पष्ट रूप से गीता में बताया गया है। देखिए, जब तक लोगों को ये मालूम नहीं चलेगा कि भाई आप अपने कर्मों को आप बदल सकते हो भक्ति करके, आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करके, वो लोग पूरा जीवन संघर्ष कर रहे हैं अपना भौतिक स्तर अच्छा बनाने के लिए, बहुत धन कमाने के लिए, बहुत ये करने के लिए, लेकिन उससे उनका कर्मों पे कुछ असर नहीं होने वाला है। तो वो कहीं पे किसी स्तर पे भी रहे, लेकिन वो कर्म आके उनको लगेगा ही लगेगा, तो उससे वो सुरक्षित नहीं होंगे, लेकिन जैसी भक्ति करेंगे तो उससे वो सुरक्षित हो जाएंगे। तो बोलते हैं प्रकृति में भौतिक जगत भी है और हम भी हैं, लेकिन ये भौतिक जगत में चेतना नहीं है, पर हम में चेतना है, इसलिए हम जो है उत्तम माने जाते हैं। भगवान सबके हृदय में रहते हैं और हमारी इच्छाओं के कारण जो है भगवान हमें जो है निर्देशन देते हैं कि भाई आप किस तरह से भोग कर सकते हो। तो भगवान जो है हमारे हृदय में निवास कर रहे हैं परमात्मा के रूप में, प्रभुपाद लिख रहे हैं, और
हमारी इच्छाओं के कारण वो हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं। देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, अगर आप इच्छा करोगे इंद्र भोग करने का, भगवान आपको मार्गदर्शन करेंगे कि ये मार्ग है इंद्र भोग करने का। जैसे इस दुनिया में जो है पूरे भारत में 130 करोड़ संख्या लोग हैं जिसकी जो इच्छा है भगवान उनको मार्गदर्शन कर रहे हैं वैसा, लेकिन एक भक्त प्रामाणिक रूप से भक्ति करना चाहेगा तो भगवान उनको भी वैसा मार्गदर्शन करेंगे। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि जैसे हम लोग एक कपड़े उतार के दूसरे कपड़े पहन लेते हैं, वैसे ही आत्मा अलग अलग शरीर प्राप्त करती है जो है समय के बदलते हुए। तो फिर प्रभुपाद बोलते हैं कर्मों को बदलने का सबसे मुख्य तरीका क्या है कि आप सत्व गुणों का जीवन व्यतीत करें, जिससे आप लोग को आपके पूर्व जन्म के कर्मों का असर ना हो, और जो कोई सत्व गुण में जो है कार्य करता है तो उससे उसके कर्म बदल जाते हैं। इसलिए कर्म को जो है अनित्य काल के लिए नहीं बताया गया है, कर्म इज नॉट एटर्नल प्रभुपाद लिख रहे हैं। तो प्रभुपाद फिर बताए कि इन चार चीजों में ईश्वर जीव प्रकृति और कर्म जो है और कर्म और काल, उसमें से कर्म जो है वो बदल सकते हैं, बाकी चार चीज बदलते नहीं। तो ये चीज अभी हम जो है यहाँ पे रोक देते हैं, और अभी हम उसमें प्रभुपाद राधानाथ स्वामी महाराज का जो है लीलामृत उनका जर्नी होम में चर्चा करते हैं, और हम और कल इसके ऊपर चर्चा करेंगे गीता पे। पर आज के लिए मुख्य चीज ये ध्यान रखिएगा गीता का, प्रभुपाद बताते हैं कर्म बदल सकते हैं, और लोगों को ये सीखना आना जरूरी है कि हम अपने पूर्व जन्म के और इस जन्म के कर्म को कैसे रोकें। जब वो रोकेंगे तब हम संतुष्ट हो सकते हैं, खुश हो सकते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ राधानाथ महाराज बता रहे हैं कि कैसे वो राम मंदिर में रह रहे थे राम सेवक जी के साथ, और यहाँ पे वो एक व्यक्ति से मिलते हैं जो हिंदू थे, लेकिन उन्होंने देखा कि हमारे हिंदू समाज में ये प्रभुपाद एक महाराज एक बहुत मुख्य विषय पे चर्चा कर रहे हैं, हमारे हिंदू समाज में हिंदुत्व को लेके बहुत सारे उन्होंने अलग अलग विभाजन किए हैं कि ये जो ऊंचे विभाग का है ये नीचे विभाग का है, उसको हायर कास्ट लोअर कास्ट बोलते हैं, जो कास्ट सिस्टम है, और उसके कारण बहुत लोगों का जो है गलत तरीके से वो अपना धर्म छोड़ के वो इस्लाम में चला गया था, और वो कुरान पढ़ रहा था, और उसने अपना नाम भी बदल दिया था, और उसका नाम मोहम्मद हो गया था। लेकिन वो बताते हैं कि वो अभी भी जो है गीता सुनता था, और जो है गीता सुनते हुए वो उसके बारे में हमेशा चर्चा करने के लिए तैयार था। तो महाराज बताते हैं कि जब वो वहां पे थे पटना में तो राम सेवक जी के साथ, तो भी उनसे कई बार मिलते थे और उनसे वो काफी बार चर्चा करते रहते थे। तो उनसे चर्चा करते हुए महाराज बोलते हैं एक चीज स्पष्ट हुआ, गीता में भगवान ने कभी भी ऊंची और नीची जाति के बारे में वर्णन नहीं किया है, तो ये शास्त्र में नहीं है, ये शास्त्र के विपरीत है, इसलिए लोगों के मन में इतनी शंका हो गई है, और लोगों ने जो है यहाँ तक कि हिंदू पूरे धर्म को भी जो है लोगों के मन में अलग अलग जो है भेदभाव आ गया है। तो बोलते हैं वास्तविक रूप में अगर कोई समझे तो किसी भी धर्म में वो भगवान को पहचान ही लेंगे। तो ये उनके साथ चर्चा करते समय नारायण प्रसाद बोलने लगे कि कई लोग जो है धर्म के नाम पे इतना लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। तो फिर जब ये प्रश्न निकला तो नारायण प्रसाद जो है मुस्कुराते हुए एक सरल चीज बोले, कहते हैं कुत्ता जो होता है वो अपने मालिक को किसी भी रूप में पहचान लेता है, अगर वो मालिक ने जो है सूट पहना हो या तो फिर एक गमछे में हो या किसी तरह से भी हो तो एक कुत्ता भी पहचान लेता है। तो बोलते हैं अगर मनुष्य भगवान को अलग अलग रूप में नहीं पहचान पाए तो वो कुत्ते से भी निम्न है। तो अर्थात किसी भी धर्म में आप जाओगे भगवान एक ही है, और जो एक प्रामाणिक साधक है वो किसी भी धर्म में कोई भी भगवान का रूप है उसको अवश्य समझ लेगा। तो फिर बताते हैं कि कई चीजें महाराज को उनके से सीखने मिली। तो फिर यहाँ पे बोलते हैं कि महाराज मेरा वीजा एक्सपायर हो रहा था, तो इसलिए मैं मुझे लगा अरे मुझे भारत नहीं छोड़ना है। तो महाराज गए वहां पे एक वीजा एक्सटेंशन ऑफिस में पटना में,
तो वहां पे राम का पेंटिंग था और महाराज उनको रिक्वेस्ट किए कि मेरे को जो है वीजा एक्सटेंड करना है, तो बोले नहीं संभव नहीं हो सकता। तब जाके मैंने आप लोगों को 2-3 दिन पहले बताया था इसके बारे में कि महाराज बोलते हैं कि आप मुझे उस देश में भेज रहे हो जहाँ पे लोग गाय का मांस खाते, तो उसका जो ऑफिसर था उसका पूरा जो है सर एकदम ऐसा हिलने लग गया, बोला क्या बात कर रहे हो। बोलते हैं वहां पे किसी ने राम का नाम भी नहीं सुना है, वो जो है ऐसे ही करके उसके बारे में अमेरिका के बारे में उन्होंने बुराई की। तो बोले और बोले मैं आपके देश में आया हूँ भगवान राम की भक्ति करने के लिए, राम का आश्रय लेने के लिए, और मुझे ऐसी जगह नहीं जाना है। तो वो जितना भी उसमें भक्ति थी महाराज ने ऐसा जागृत कराया, तो तुरंत बुला रहे मैं राम का भक्त हूँ, मैं अवश्य तुमको बचाऊंगा, ऐसे नर्क जैसे जगह में क्यों जाना है। और उन्होंने स्टैंप लिया, थाड़ करके मारा और बोला आप रहिए यहाँ पे करके जितना समय होता है। तो महाराज देखिए कैसे अलग अलग समय में अलग अलग लोगों से आदान प्रदान करते थे। तो अभी महाराज बता रहे हैं कि राम सेवक वापस से आश्रम में, उनके पास 5 साधु आते थे रोज सुबह को और 3 घंटा जो है वो लोग रामायण में पाठ करते थे। और महाराज बोलते जब वो 3 घंटा पाठ करते थे तो कभी कभी लोग जो है ये 5ों साधु लोग जोर से हंसने लगते थे, कभी कभी रोने लगते थे, और जो है कभी कभी एकदम वो लोग हिलना बंद कर देते थे, एकदम ऐसे रहते थे, कभी कभी भयभीत हो जाते थे। तो महाराज बोलते हैं कि मैं इतना उत्सुक हो रहा था इनका सुनने के लिए, पर मुझे उनकी भाषा समझ में नहीं आ रही थी क्योंकि ये लोग हिंदी की भाषा में चर्चा कर रहे थे। तो जो नारायण प्रसाद था जिसको अंग्रेजी आती थी, तो महाराज उसको बोले अरे यार 3 घंटा कथा हुआ और मैं देख रहा था ये लोग इतना उत्साहपूर्वक रामायण सुन रहे हैं, मुझे आप बताइए ना करके। तो वो बोले ठीक है, गंगा के पास लेके गए और उनको अनुवाद बोलने लगे कि एक सुबह को कृष्ण भगवान जो छोटे से बच्चे थे वो यशोदा माई से दूध मांग रहे थे उनके स्तन में से, तो उन्होंने देखा कि कैसे दूध कढ़ाई में से गिर रहा है, इसलिए उन्होंने कृष्ण को दूसरे जगह पे रखा और वो चले गए। तब तक कृष्ण भगवान ने जो है पूरा मटका फोड़ दिया और मक्खन खाने लगे। और जब ये देखा माता यशोदा ने तो वो भागते हुए आई पीछे से और उनको जो है पकड़ के दंडित किया उन्होंने। तो उनके जो है पद चिन्ह पे चलते हुए देखा कहाँ पे हैं करके, और तब भगवान कृष्ण जो है उनके आंखों से आंसू आने लगे और पूरा जो दामोदर लीला है जो हम लोग ने इतना चर्चा किया है तो उसके बारे में वो बताते हैं। तो महाराज को बहुत अच्छा लगा ये कथा, लेकिन ये जो कथा था इसमें एक प्रॉब्लम हुआ, 10 मिनट में खत्म हो गया जैसे मैंने आप लोग को बताया। तो फिर महाराज बोले अच्छा मुझे और बताओ, तो बोले नहीं इतना ही है। तो बोले है इतना ही कैसे, आप लोग तो 3 घंटा चर्चा कर रहे थे और अभी कैसे 10 मिनट में कैसे खत्म हो गया। तो बोले नहीं इतना ही बताया करके। तो महाराज भ्रमित हो गए, बोले 3 घंटे की कथा है 10 मिनट में कैसे खत्म कर दिया उन्होंने। तो फिर अगले दिन देखा, अगले दिन फिर 3 घंटे तक ये लोग बात कर रहे हैं और फिर ऐसे ही सब कर रहे हैं। तो फिर इन्होंने नारायण प्रसाद को बोला मुझे कथा सुनाओ, इन्होंने 3 घंटे तक क्या चर्चा किया। तो फिर उन्होंने वही कृष्ण लीला बताया, 10 मिनट में खत्म कर दिया। तो अंत में 3-4 दिन होने के बाद महाराज को लगा क्या मेरे इतनी भी योग्यता नहीं है कि मैं राम लीला सुन सकूं, या जो है क्योंकि महाराज को थोड़े थोड़े शब्द तो समझ में आ रहे थे, राम हनुमान सुग्रीव, तो बोले ये कुछ बोल नहीं रहे, ऐसे कृष्ण कृष्ण ही बोल रहे हैं, वही कृष्ण का दामोदर लीला सुना रहे हैं बार बार मेरे को। तो महाराज के आंखों में से आंसू आ गए और बोले मेरे मैं इतना पापी हूं क्या कि मैं जो है आप लोग का रामलीला भी नहीं सुन सकता। तो जब ये उन्होंने सुना तो उन्होंने बोला कि जब आप आए और हमारे मंदिर में रहे तब उसी रात को राम सेवक के सपने में राम भगवान स्वयं आए थे, और राम भगवान जब सपने में आए तो उन्होंने बोला ये जो लड़का आया हुआ है वो वास्तविक रूप में कृष्ण भगवान का भक्त है, तो इसलिए उसको जो है आप राम के बारे में कुछ मत बताइएगा, सिर्फ कृष्ण के बारे में बताइएगा। तो राम सेवक जी ने नारायण प्रसाद को यही बोला था कि भाई आप जो है इनको राम के बारे में कुछ कथा मत बताइए, भले ही हम लोग 3-3 घंटा रामायण चर्चा कर रहे हैं। फिर नारायण प्रसाद बोले मुझे कृष्ण की सिर्फ एक ही लीला मालूम है क्योंकि मैं भी जीवन भर जो है राम की भक्ति किया हूँ, मुझे राम के बारे में ज्यादा कृष्ण के बारे में ज्यादा मालूम नहीं था। तो जब महाराज ने ये सुना कि तो मैं कृष्ण का भक्त बनने वाला हूँ, तो महाराज को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। तो वो बोले कि ये तो राम जी ने बोला था, इस लड़के को मालूम नहीं है
पर भविष्य में एक दिन आएगा जब वो जो है उसको मालूम चलेगा। तो महाराज जो है सुन के, महाराज ने सुना लेकिन उसको सुना अनसुना जैसे कर दिया, क्योंकि महाराज का अभी कृष्ण की तरफ भक्ति इतना प्रेरित हुआ ही नहीं था। और फिर महाराज जो है अपने कार्य में महाराज सोचते हैं कि मैं वापस से हिमालय चले जाऊंगा और वहां तपस्या करूंगा, और ऐसे महाराज का मन में चल रहा। तो ऐसे अभी और महाराज का जर्नी होम में कथा आता रहेगा। लेकिन देखिए महाराज इतने परम भक्त थे, जब 20 साल का जब सिर्फ युवा पीढ़ी के लड़के थे, भगवान की खोज में जब आए थे सब जगह पे और पटना में थे, तो भगवान साक्षात राम जी सपने में आए और राम सेवक को बोले कि भाई ये कृष्ण के भक्त हैं, इनको मालूम नहीं है, अभी समय आएगा तब मालूम चलेगा। तो मतलब ये लक्षण बताते हैं कि कैसे कोई महान भक्त होते हैं, उसके लिए भगवान कैसे जो है अलग अलग लीला करके दूसरे उनके परम भक्तों को ये सब चीज बताते हैं। तो हमारा अहोभाग्य है कि हम ऐसे महान भक्तों के संपर्क में हैं। और अगर हो सके तो आप लोग सब महाराज का प्रभुपाद का जो ऑफरिंग है, जो एक है, मैं लिंक चाहिए तो तुलसी विलास प्रभु को भेज दूंगा। महाराज बोल रहे हैं 50 मिनट्स का क्लास है और बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, महाराज बहुत भाव से बोल रहे हैं, तो आप लोग सब सुनिए तो समझ में आएगा कि शुद्ध भक्ति क्या होती है। हम लोग सब साधक हैं, हम लोग सब कोशिश कर रहे हैं, पर एक साधक को जो है शुद्ध भक्त क्या होता है और शुद्ध भक्ति कैसी होती है वो भी जानना चाहिए, जिससे हमें प्रेरणा मिले, उत्साह मिल सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। कल हम लोग 4 बजे मिलेंगे और फिर हरिकथा में जुड़ेंगे। हरे कृष्ण।